दोस्तों, मैनेजमेंट की सेकेंड वीडियो रेडी है और इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक घर में ना, मतलब एक छोटी सी घर में, गांव में दो लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड डेली जॉब पे जाता था, तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जॉब चली गई। तो उसकी जो वाइफ थी, उसको मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि यार, मैं भी काम करना स्टार्ट करती हूँ, ताकि हम प्रॉफिट थोड़ा सा, हमें मतलब पैसा जनरेट हो, हमारी फैमिली चले। तो उनके एक बच्चा भी था, अब उसकी भी एजुकेशन थी, उसके लिए भी पैसे चाहिए थे। तो वो लेडी क्या करती है, वो सोचती है कि यार, मैं अपना पहले घर का काम करूंगी, 12 बजे तक मैं अपने सारे घर के काम कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद मैं ऐसा कोई जॉब देखती हूँ कि जो घर बैठ के हो सके और 12 बजे के बाद हो, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि यार, मैं कुकिंग में माहिर हूँ, तो मैं क्यों ना कुकिंग का ही कोई काम करूँ। तो वो एक पापड़ बनाने का आइडिया लेके आती है। अब पापड़ बनाने हैं तो उसके लिए अब एक थोड़े से मतलब ज्यादा स्केल पे बनाने हैं, तो उसको एक पैसे भी चाहिए। अब घर की हालत ऐसी है कि पैसे बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करती है, वो एक बाहर आउटसाइडर के पास जाती है, उससे 80 रुपये का लोन लेती है। बहुत पुरानी बात है ये, 80 रुपये का लोन लेती है और पापड़ बनाना शुरू करती है। अब उसको बनाने के लिए साथ में और भी लेडीज चाहिए थी, तो वो अपने घर के पास एक और लेडी है, उसकी भी यही कंडीशन है, तो उसके पास जाती है कि तुम मेरे पास आया करो, 12 बजे हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो वो अपने घर की छत के ऊपर ये काम पापड़ बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो अपना काम करते हैं, उनको उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो मतलब उनका डिसाइडेड होता है कि यार, हमने काम तो करना ही है घर चलाने के लिए। तो पहले तो वो दो लेडीज होती हैं, फिर मिलके सात हो जाती हैं, ठीक है, सारी छत के ऊपर एक साथ मिलके काम कर रही हैं, और धीरे धीरे पूरी छत भर जाती है। तो उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि यार, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो वो और लेडीज को इकट्ठा करती हैं, उनको क्या करती हैं, रॉ मटेरियल भेज देती हैं और वो लेडीज उसको बनाती हैं। अब वो धीरे धीरे मतलब पहले साल उनको 6,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, सेकेंड ईयर वो बढ़ते 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 बढ़ता रहता है, तो उनको और कॉन्फिडेंस आता है कि यार, हाँ, हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो ना, पहले वो क्या करती हैं, पहले पापड़ बनाने से पहले ना, वो इसको दो क्वालिटीज में डिवाइड कर देती हैं, एक अच्छी क्वालिटी, एक लोअर क्वालिटी। अब लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने तो मतलब मार्केट खराब करने के बराबर है, तो उनको कोई सजेस्ट करता है कि यार, आप लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट मत बनाओ, आप अच्छी क्वालिटी बनाओ, आप एक अच्छी क्वालिटी के नाम से जाने जाओ। तो अपनी क्वालिटी को वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो इससे उनकी मार्केट और बढ़ जाती है। मतलब जैसे पहले 6,000 प्रॉफिट था, अब उसका 4 टाइम्स हो जाता है। फिर वो लेडीज सोचती हैं कि यार, अब हम इसको ना, बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएं, तो वो और लेडीज को साथ में लेके आती हैं। और इस बिजनेस में उन्होंने सिर्फ लेडीज को ही रखा है, मतलब इसमें कोई भी मेल नहीं है। अब उनके साथ क्या होता है कि वो कंपनी जो सिर्फ 80 रुपये में स्टार्ट की गई थी, वो आज के टाइम में अगर आप देखोगे, उसका एनुअल टर्नओवर 1200 करोड़ हो जाता है। मतलब इन लेडीज की आप मेहनत सोचो, इनका दिमाग सोचो, इनका मतलब जो मैनेजमेंट का तरीका आप सोचो कि यार, मतलब कैसे मैनेज किया कि एक छोटी सी कंपनी जिसको उधार पे थी, 80 रुपये के उधार पे थी, वो 1200 करोड़ की कंपनी बन जाती है। और उसके बाद वो क्या करती हैं, वो एक प्रिंसिपल्स के साथ काम करती हैं। इन लेडीज का आप प्रिंसिपल देखोगे ना, तो आपको इन लेडीज के ऊपर प्राउड फील होगा कि ये लोग किसी से भी पैसा चैरिटी नहीं लेंगे, मतलब किसी से भी दान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि दान देंगे ताकि अपनी सोसाइटी को और बढ़िया बनाया जा सके। सेकंड, ये अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तीसरा, कि इसमें सारी लेडीज काम करेंगी। चौथा, डेली अकाउंटिंग होगी, मतलब जो भी ये काम करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने मेंबर्स में पर डे शेयर करेंगे, क्योंकि इन लेडीज को स्टार्टिंग में क्या था ना, बहुत प्रॉब्लम थी यार, इनको एक एक रुपया भी मिलता था ना, तो ये बहुत खुश होती थी। तो मतलब पर डे 1 रुपया मिल रहा है, तो इनको और मोटिवेशन मिलती थी कि मैं हम और काम करें। तो अब ये जो स्टोरी आपने सुनी है, ये स्टोरी है लिज्जत पापड़ की स्टोरी। तो सारी की सारी लेडीज, टाइम क्वालिटी, डेली अकाउंटिंग, इनके प्रिंसिपल्स थे, इन्हीं प्रिंसिपल्स ने इनको आज देखो 1200 करोड़ की कंपनी बना दिया। तो ये प्रिंसिपल्स को हम जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इवोल्व हुए हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। अर्ली पर्सपेक्टिव क्या था कि एक पिरामिड बनाया गया था,
इसका आइडिया कहाँ से आया? एक पिरामिड बनाया गया था, तो पिरामिड बनाते वक्त इसको 20 साल लग गए थे, और बनाया इतना अच्छा था कि इसके अंदर जो काम चल रहा था उसकी आवाज उसके बाहर तक सुनाई नहीं देती थी। मतलब इसको इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि यार साउंड मैनेजमेंट के ऊपर काम हुआ है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, तो लोगों को लगा कि हाँ यार मतलब कुछ हो सकता है ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्ली परस्पेक्टिव के बाद फिर टाइम पास हुआ थोड़ा सा, फिर लोग आए, फिर लोगों ने सोचा कि यार हाँ यार हम इससे थोड़ा सा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है हमको। फिर पास जब टाइम के बाद फिर कुछ लोग आए, साइंटिस्ट आए, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हम क्यों ना यार प्रोडक्शन पे इसको, इन सिद्धांतों को प्रोडक्शन पे अप्लाई करें ताकि हमें और प्रॉफिट हो। कुछ लोगों ने इसको बोला कि यार क्यों ना प्रोडक्शन के अलावा भी सारी चीजों पे इसको अप्लाई करो, तो उसने एक जनरल गाइडलाइंस दे दी। अब का टाइम क्या है कि ऑपरेशन रिसर्च देख लो, न्यू टेक्नोलॉजीज देख लो, तो मतलब आज के टाइम में इसका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पहले थे अर्ली पर्सपेक्टिव्स, उसके बाद आई थी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, मीन्स मैंने आपको बताया था कि उसके बाद लोगों ने सोचा था कि यार क्यों ना इससे इकोनॉमिक गेन फाइंड आउट किया जाए, तो रैशनल इकोनॉमिक व्यू में इकोनॉमिक गेन के ऊपर बात हुई थी। फिर साइंटिस्ट आए थे, टेलर आया था, टेलर ने प्रोडक्शन के ऊपर सोचा था कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद हेनरी फॉयल आया था, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज दी थी कि क्यों ना इसको सारी चीजों पे, ना केवल प्रोडक्शन पे बट सारी चीजों पे इसको अप्लाई करो, ताकि हमारी यार हर मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री का उसको बेनिफिट हो सके। फिर उसके बाद आया था मैक्स वीबर, मैक्स वीबर ने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया था कि मैनेजर की जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको रिमूव करना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली टेलर और हेनरी फॉयल के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी टाइम पास हुआ, तो टाइम के बाद उन्होंने सोचा कि यार ना केवल इकोनॉमिक इंसेंटिव इंपॉर्टेंट है बट सोशल नीड्स और ड्राइव्स एंड एटीट्यूड्स, मतलब बंदे के डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर काम होना शुरू शुरू हुआ। तो उसी लिए मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी होनी शुरू हुई। ये क्या थे, साइकोलॉजी, बंदे की साइकोलॉजी को समझो, उसका एक बंदे के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसको समझो। मतलब अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी तो आप अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर सकते हो। जैसे पापड़ बनाने की कंपनी है, वो पापड़ अगर बाहर बेचना चाहते हैं तो उनका टेस्ट उनको पता होना चाहिए। तो आज का टाइम है जो उसमें ऑपरेशन रिसर्च, न्यू न्यू थ्योरीज आई हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, आपने याद करना है कि एक सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है? अगर एक कंपनी आप स्टार्ट करते हो, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, आप वहां पे मतलब मैन पावर फिक्स कर दोगे भी इतने बंदे हमें चाहिए। अब अगर आप उनको टाइम नहीं बताओगे कि वो कितने बजे आएंगे कितने बजे जाएंगे, तो सारे अपनी मनमर्जी करेंगे। तो एक जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक पॉलिसीज होनी चाहिए कि यार हाँ मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट करना है तो मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इतना फंड मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर ये जनरल गाइडलाइंस नहीं होंगी तो ड्रेन ऑफ मनी होगा, पैसे का दुरुपयोग होगा, और मतलब हर चीजें मतलब अपनी मेरिट के मुताबिक नहीं होंगी। अब बंदे रखे हैं, बंदों का प्रमोशन भी करना है, अगर एक जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं होंगे कि मैं इतने टाइम के बाद प्रमोशन करूंगा, या फिर मैं इतनी परफॉर्मेंस होगी जिस बंदे की, उस परफॉर्मेंस वाले बंदे को आज ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, अगर ऐसी गाइडलाइंस नहीं होंगी तो कैसे काम होगा। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट है कि जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, नेचर कैसी है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, एक तो आप समझ लो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है मैनेजमेंट के, ये कैसे डेवलप हुए हैं, ये ऑब्जर्वेशन के साथ डेवलप हुए हैं। जैसे एक बंदे ने क्या किया, इसने कुछ मतलब तरीका अपनाया अपनी इंडस्ट्री में, तो इसने मैनेजर ने दूसरे मैनेजर को बताया कि यार ऐसे करेंगे तो हमारा बिजनेस और डेवलप करेगा, ठीक है? तो वो चीज आगे आगे बढ़ती रही। तो मतलब एक तो ऑब्जर्वेशन के साथ, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए, एक जगह पे देखा गया कि अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ता है। तो मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ हमने जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने डेवलप किया है, ठीक है? तो इसका नेचर क्या है, एक तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब आप बोलोगे छोटे से छोटे बिजनेस
और बड़े से बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि इन्फोसिस, एक्सेंचर, आप देखोगे ग्लोबलाइज कंपनीज है, वहां पे ये एप्लीकेबल है। और एक छोटी सी कंपनी जो सिर पे से स्टार्ट हुई थी पापड़ बनाने वाली, वहां पे भी इसको अप्लाई किया गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक देख लो आप, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस में आप मानोगे तो एक बड़े से बड़ा मैनेजर और एक छोटे से छोटा क्लर्क भी इस चीजों को अप्लाई करता है। नेक्स्ट है एक जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी। इसके लिए आपको टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। और जैसे आप मान लो कि एक दो मैनेजर हैं, दोनों मैनेजर्स में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो उसका ओवरऑल मैनेजर है, मान लो कि ये प्रोडक्शन में काम करता है, ये मार्केटिंग में काम करता है, दोनों का अलग अलग, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को आगे बढ़ाना। तो अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो जो ऊपर वाला मैनेजर है वो बोल सकता है कि यार हमने कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है, तो आप दोनों मिलके काम करो। तो मतलब एक जनरल गाइडलाइंस ड्रॉ कर सकता है वो। अब फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मैंने आपको बताया था कि यार ये ऑब्जर्वेशन के एक साथ, मतलब एक बंदे ने कुछ डेवलप किया, उसने आगे बताया दूसरे को, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके द्वारा हमें पता लगा। मान लो कि एक बंदे को ना क्या हुआ कि उसको फटीग हो रही थी, तो हमने पता किया कि यार उसकी फटीग होने के कारण क्या है, या तो उसका गलत पोस्चर में वो काम कर रहा है, या उसको ज्यादा देर तक काम करवाया जा रहा है। तो ये चीजें क्या कि हमें पता लगा, भी हमने एक, मतलब एक फॉर्मूला डिजाइन किया कि अगर हम इतना काम करेंगे, इतना परसेंट काम करेंगे एक शिफ्ट में, 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा फटीग होती है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हमने एक, मतलब प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए। तो ये कैसे फॉर्म हुए, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। अब ऐसा नहीं है कि यार एक इंडस्ट्री में आपने बोल दिया कि यार मैं इसको मॉडिफाई ही नहीं कर सकता। विद द पासेज ऑफ टाइम नई न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज के साथ हमने इसको भी, मतलब चेंज करना है, ठीक है। ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। जैसे कि आप मान लो कि एक एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में एक टॉप का लेवल का बंदे हैं, फिर मिडल लेवल के बंदे हैं, फिर लोअर लेवल के बंदे हैं। अब इसके पास जो सेंट्रलाइज पावर है, इसके पास मेन अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये अपनी अथॉरिटी क्या करता है, डेलीगेट करता है मैनेजर्स को, और मैनेजर्स क्या करते हैं, नीचे वाले बंदे को डेलीगेट करते हैं, सुपरवाइजर्स को। तो अपने पास कितनी अथॉरिटी रखनी है, ये हर कंपनी में अलग है। इन्फोसिस में अलग होगा, एक पापड़ बनाने वाली कंपनी में अलग होगा, और एक आप मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी में वो अलग होगा। तो ये फ्लेक्सिबल है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल है। मान लो कि आपने एक एक लेआउट बनाना है एक कंपनी का, आप जैसे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जाओगे ना वहाँ, मतलब अगर आपका आप एफएम बन जाते हो, फंक्शनल मैनेजर बन जाते हो, तो सबसे पहले आपको ना एक, मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग में आपको क्या बोलते हैं बेसिकली कि आप एक लेआउट डिजाइन करो, मतलब एक फैक्ट्री का, एक फैक्ट्री दे दी जाएगी, उसका आपने लेआउट डिजाइन करना होगा। तो लेआउट डिजाइन करते वक्त आप क्या ध्यान रखोगे, आप सबसे पहले वहां से स्टार्ट करोगे जहां से रॉ मटेरियल है, फिर आप जाओगे जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, फिर फिनिशिंग हो रही है, फिर डिस्पैच हो रहा है। आप ऐसे तो नहीं होगा कि पहले डिस्पैच पे चले जाओगे फिर इधर आओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। जैसे रॉ मटेरियल मूव हो रहा है आप भी वैसे मूव करोगे। तो ये मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी मतलब बिहेवियरल है, मतलब कुछ तो हमको ऑटोमेटिकली पता ही है यार ये ऐसे ही होंगे। तो इस हिसाब से आपने इसको भी याद रखना है, मेनली बिहेवियरल है। और सिक्स्थ पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अब आपको पता है कि आप एक गाइडलाइंस आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो वो गाइडलाइंस का कुछ कॉज होगा और उसका कुछ इफेक्ट भी होगा। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो आप मतलब गाइडलाइंस बना रहे हो उसका कुछ इफेक्ट होना ही चाहिए, मतलब तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना। तो इन सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी इट इज डिजायरेबल दैट समवन टेक्स चार्ज। अब आप देखो एक एमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, ठीक है, एमरजेंसी के सिचुएशन में क्या होगा कि आप चाहते हो कि एक बंदा डिसीजन ले और बाकी सारे फॉलो करे, ठीक है, बट नॉर्मल कोर्स में क्या करते हो आप चाहते हो कि यार आप एक बंदा है वो सारे डिसीजन ना ले, उसके आगे मैनेजर्स हैं, वो आगे अपना प्लान बनाए और वो अपना डिसीजंस ले। तो मतलब अलग सिचुएशन में अलग कोज है, देखो यहाँ पे कोज अलग है, यहाँ पे कोज अलग है, और उसका इफेक्ट अलग है। अगर आप इमरजेंसी पे एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, सारे अपनी मनमानी करेंगे, तो मतलब वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो
तो इसलिए जहां पे जिस हिसाब से सिचुएशन होगा, जैसा कॉज होगा वैसा ही इफेक्ट, उस तरह की ही गाइडलाइंस उसकी उसको प्रोपेगेट करनी चाहिए कि वो बिजनेस मतलब सस्टेन कर सके। नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब है कि यार देखो, आपने क्या करना है कि मतलब जो प्रिवेलिंग सिचुएशन हो, जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, एट अ टाइम, उसके मुताबिक आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको आपने वेरी करना है। जैसे कि उसके मुताबिक आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको वो डिजर्व करता है कि फेयर एंड जस्ट रिम्यूनरेशन होना चाहिए, मतलब उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। बट वो क्या है, वो मल्टीपल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर एक कंपनी है, उसका जो ओनर है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो यार हर बंदे को 10-10 हज़ार दे सके, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के सिचुएशन पे, टाइम पे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, मतलब उसका मतलब दायरा कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। पहले ये क्या करता है, एक तो मतलब मैनेजर को बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज हो जाती है चीजों की, मतलब अब मैनेजर को पता है कि उसको पता है कि यार मतलब एक जनरल गाइडलाइंस है उसके पास, उसको पता है कि कब अपनी पावर को रखना है, कब अपनी पावर को डेलीगेट कर देना है। मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशंस में वो क्या करता है, वो डिसीजंस लेता है, और नॉर्मल सिचुएशंस में वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को एम्पावर करता है कि तुम डिसीजंस लो। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक बजट बनाना है, काम करने के लिए कुछ फंड चाहिए। अब वो फंड फिक्स हो जाता है, तो अगर वो फंड फिक्स होगा तो आपको पता होगा यार कि आपने इतने ही फंड में आपका सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मतलब इससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या हेल्प करते हैं कि साइंटिफिक डिसीजंस। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब जो सोचा वो वैसे कर लिया। अब एक फैक्ट्स होंगे, ठीक है, एक थॉट्स होंगे, ठीक है, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप उनके बेस पे, एक लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, रेदर देन आप जस्ट मतलब अपनी मनमर्जी कर रहे हो। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसको लगता है उसके दो टाइप के बिजनेस है, एक तो कोर बिजनेस है उसका, एक नॉन कोर बिजनेस है। अब उसको पता है कि यार मैंने अपने कोर बिजनेस को तो हमेशा डेवलप करना है, और नॉन कोर बिजनेस जो है, मतलब नॉन कोर बिजनेस वो हो सकते हैं जैसे कोर बिजनेस तो जो जो पहले से चले आ रहे हैं, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जैसे पापड़ बनाने वाली कंपनी थी वो पापड़ ही बना रही है तो वो उसका कोर बिजनेस हो गया। नॉन कोर बिजनेस क्या हो गया कि पापड़ बनाने के साथ उसने एक और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। बट वो डिपेंड करता है उसके जो गाइडलाइंस हैं, इसके गाइडलाइंस और इसके गाइडलाइंस डिफरेंस होने चाहिए। अब इसके गाइडलाइंस जो होंगे, जो नॉन पापा टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें वो क्या करता है, वो ना दूसरे बंदों को दे देता है, मतलब मान लो कि वो आउटसोर्स कर देता है। आउटसोर्स का मतलब है किसी और कंपनी को दे देना है अपने पापड़ या अपने और प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि उसका वो सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब इसका यहाँ पे तो वो क्वालिटी के साथ, अपने जो कोर प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, बट जो नॉन कोर प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ वो थोड़ा सा मतलब कंप्रोमाइज कर रहा है, बट उसमें वो प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है। तो मतलब आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आपकी गाइडलाइंस हैं, वो जनरल मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने बिजनेस को आप मतलब उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को चेंज करते हो। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है कि यार पहले क्या होता था कि आपका सारा सारा टारगेट क्या होता था, प्रॉफिट जनरेट करो बस। बट आज का टाइम क्या आ गया है कि आपने प्रॉफिट भी जनरेट करना है, बट उसके साथ आपको थोड़ी सी वैल्यूज भी जनरेट करनी है आपके बिजनेस की। अगर एक कंपनी है, इन्फोसिस है, अगर वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब ओबलाइज नहीं करेगी तो उस कंपनी की यार वैल्यू नहीं बढ़ती है। मतलब चाहे वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर ले बट उसकी उसके नाम नहीं होता है मार्केट में। तो हर कंपनी को आजकल क्या करना पड़ रहा है कि उसको वैल्यूज के ऊपर मतलब काम करना पड़ रहा है। तो वैल्यूज क्या है कि मतलब जैसे आपने क्या किया, एक सोसाइटी में जहाँ पे आपकी कंपनी है, आप उस सोसाइटी के आसपास लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको मतलब डेवलप करना शुरू करो, उनको जॉब दो, उनके लिए मतलब घर बना दो, उनके लिए मतलब जैसे आजकल स्वच्छ भारत अभियान में उनके लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। तो मतलब ये सारी क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आजकल वैल्यूज के रूप में हम इसको प्रिंसिपल्स में काउंट करते हैं।
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आप एक एग्जाम है मैनेजमेंट का, उसको रिक्रूट करने के लिए, बंदों को रिक्रूट करने के लिए क्या करते हो, एक एक जनरल टेस्ट लेते हो सबसे पहले। मतलब जैसे आप FM में सिलेक्ट हो गए, फंक्शनल मैनेजर सिलेक्ट हो गए, तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा। तो आप सोच सकते हो कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट बना रहे हैं, क्या वो विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पॉसिबल है, गाइडलाइंस से पॉसिबल है? यार गाइडलाइंस तो ऑब्वियसली होनी चाहिए कि उसके लिए किस तरह का, मतलब किस तरह के बंदे को हमने सेलेक्ट करना है किस इंडस्ट्री के लिए, तो वो भी सारे फिक्स हैं। अब आ गए टेलर। देखो यार यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपने याद रखना है टेलर ने क्या दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया था। सेकंड आपने याद रखना है कि इसने क्या किया था, जैसे टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है, इसने कहाँ पे काम किया था, इसने अपने जो लास्ट दिए हैं वो लोअर लेवल पे दिए हैं। इसको हम बोलते हैं शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर क्या होता है, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, तो इसके जो लॉज थे वो शॉप फ्लोर पे एप्लीकेबल है। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसको पहले कंपनी में जॉब मिली, इसको कंपनी से निकाल दिया गया, बाद में इसने एक और कंपनी में काम किया, और फिर उस कंपनी में ये बहुत अच्छा रहा, और इसके जो जो इसके मतलब प्रिंसिपल्स थे, उस प्रिंसिपल्स ने उस कंपनी को मतलब 10 टाइम्स उसका प्रॉफिट और बढ़ गया था। मतलब आप सोच सकते हो कि इसके मतलब प्रिंसिपल्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहे। और 1911 में इसकी एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इसको कॉइनाइज किया गया इस नाम से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से इसने एक आर्टिकल वहां पे लिखा था, और इसी के नाम से इसको आज जाना जा रहा है। अब है कि जो इसने मतलब प्रिंसिपल्स दिए थे उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है? तो पहला इसने बोला था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये एक साइंस है, कोई तुक्का नहीं है, मतलब कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाँ यार ऐसे ही होना चाहिए, ये एक साइंस है। मतलब अगर आप एक छोटी सी छोटी चीज कर रहे हो, उसको करने के लिए भी उसको साइंटिफिकली प्लान करना पड़ता है, उसको साइंटिफिकली मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप बोल लो प्रोटेक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स, मतलब एक छोटा सा काम है यार देखो, पर इसको भी करने के लिए मतलब साइंस है। सेकंड उसने बोला कि यार मतलब जो जो जैसे वर्कर है, अब इसने वर्कर के साथ ज्यादा काम किया है, और जो टॉप लेवल है इनको ना आपस में मिलके काम करना चाहिए, इन दोनों में आपस में हार्मोनी होनी चाहिए, जो भी प्रॉफिट हो ठीक है प्रॉफिट को इसको शेयर करना चाहिए, इसका कुछ अमाउंट वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, और वर्कर को हमेशा स्ट्राइक में जाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको हमेशा मतलब कंपनी के हित में काम करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे लोग हैं, अब आपस में कॉपरेशन होनी चाहिए, ना कि हर बंदे को अपना इंडिविजुअली सोचना चाहिए। मतलब अगर इंडिविजुअली सोचेंगे तो यार कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो इसने बोला कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, अगर कॉपरेशन रहेगी तो बिजनेस और ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एक बंदा, जब आप एक बिजनेस है आपका, बिजनेस के लिए एक बंदा चाहिए, तो वो बंदा साइंटिफिकली सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट उसकी होनी चाहिए जिस हिसाब से आपकी डिमांड है, आपका बिजनेस है, और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो बंदा एफिशिएंट हो जाए, वो बंदा अपना मतलब 100% एफिशिएंसी पे काम करे। अगर वो 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा, आप अपने टारगेट अचीव कर लोगे और कंपनी राइज करेगी। अब उसको करने की टेक्निक्स क्या हैं, अब ये तो सिर्फ गाइड जो उसकी मतलब प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, अब उसको करने की टेक्निक्स उसने बताई भी, वो उसको हम उसको प्रैक्टिकली उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। सबसे पहले उसने कॉन्सेप्ट दिया फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका कॉन्सेप्ट, मतलब ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। उसने बताया वर्कमैन, जो फंक्शन फैक्ट्री मैनेजर है ना, वो अब मैनेजर में यार एक बंदे में आप बोलोगे मतलब सबसे पहले टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है, ये सुपरवाइजर है। अब एक सुपरवाइजर में आप सारी खूबियां ढूंढोगे कि वो मतलब रिपेयर को भी देखेगा, वो प्रोडक्शन को भी देखेगा, वो टाइम के साथ भी बंदों को मैनेज करेगा, मतलब एक बंदे में इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो उसने बोला कि इसको हम क्या करते हैं, इसको 8 बंदों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ये 8 बंदे क्या है, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, एक रूट क्लर्क है, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये प्लानिंग का पार्ट देखेंगे, और ये वाले लोग जो हैं वो अपना प्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे। उसने प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग कर दिया,
बोला कि प्लानिंग अलग बंदा करेगा और एग्जीक्यूशन अलग बंदा करेगा, तो ये दोनों स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे अपने काम में। और स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, मतलब एक बंदे का एक्सपर्ट भी होगा, एक बंदे को पता होगा कि हाँ यार ये काम होता है, तो वो अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, तो इससे एफिशिएंसी और बढ़ेगी। मतलब देखो यार, मतलब कैसे दिमाग लगाया है एक चीज में, तो मतलब नीचे वर्कर्स हैं ठीक है, उसके ऊपर जो जो सुपरवाइजर है वो 3 सुपरवाइजर हो गए, 4 सुपरवाइजर हो गए प्लानिंग में और 4 हो गए प्रोडक्शन में। अब देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, जो सुबह सुबह मतलब जो बंदे आए हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे काम करना है। रूट क्लर्क क्या करता है, उनको रूट बताता है कि किस हिसाब से आपने फ्लो ऑफ मटेरियल कैसा होगा। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क क्या बोलता है कि कितने टाइम में आपने वो जॉब को कंप्लीट करना है, डिसिप्लिन में रहना है। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस क्या बोलता है कि किस एफिशिएंसी के साथ काम होना चाहिए। गैंग बॉस क्या करता है, टूल्स उसके पास अवेलेबल होने चाहिए उस जब वो काम हो रहा है। रिपेयर बॉस क्या कर रहा है, उसको नजर रखना है कि कोई मशीन ब्रेकडाउन ना हो जाए, उसका रिपेयर तुरंत होना चाहिए। इंस्पेक्टर क्या करता है कि उस पर मतलब सुपरवाइज करता है प्रोडक्शन को। तो मतलब एक काम को उसने बहुत सारी एक्टिविटीज में, एक बड़े काम को उसने बिग काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया, तो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब कोई काम है यार बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, उसको आप सिंप्लीफाई कर दो, उसमें से जो अननेसेसरी काम है उसको रिमूव कर दो, बस सिंप्लीफाइड काम करो। तो अगर आप एक स्टैंडर्डाइज काम करोगे, स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि जैसे आप पहले 10 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, अब आप बोलते हो कि यार मैं एक ऐसा कस्टमर लेके आता हूँ कि उसको मैं कन्विंस करता हूँ कि अगर वो एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट ले मुझसे, मतलब जैसे पहले 10 कस्टमर थे, उस 10 कस्टमर को आपने कन्विंस किया कि एक ये सिंगल टाइप का प्रोडक्ट लो आप मुझसे, तो इसको लेने से मैं आपका ना प्राइस और कम कर दूंगा, आपको क्या होगा आपकी वेराइटी कम होगी, आपको मशीन्स एक टाइप की मशीन चाहिए होगी, लेबर कम चाहिए होगी, आपको स्किल लेवल एक टाइप का चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे थोड़ी सी कॉस्ट कम कर दोगे, आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का बेनिफिट है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। एक काम को करने के ना बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब आप देखते हो कि सबसे पहले आप इंजन मैन्युफैक्चर करते हो, इंजन के बाद उसकी जो चेसिस मैन्युफैक्चर होती हैं, उसकी बॉडी मैन्युफैक्चर होती है, फिर उस इंजन को वहां पे फिट किया जाता है, फिर ट्रांसमिशन बॉक्स फिक्स होता है, फिर उसके मतलब व्हील्स फिक्स होते हैं, फिर उसकी डायनेमिक टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। तो मतलब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसको मेथड, इनके काम करने का मेथड, मतलब टोटल फ्लो चेन कैसी होनी चाहिए, वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो जो टेलर था, टेलर ने एक बेस्ट मेथड बताया कि अगर हम इसको असेंबली लाइन में बनाए, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया ना फ्लो ऑफ मटेरियल, उसने एक असेंबली लाइन बना दी। असेंबली लाइन क्या होता है, मतलब एक असेंबली होती है जिसमें कि मटेरियल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मूव करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फाइनल स्टेज पे जाता है। तो लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो ये डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे ये इंजन फिक्स करने वाला है, ये उसकी ट्रांसमिशन बॉक्स फिक्स करने वाला है, ये उसका डिफरेंशियल देखने वाला है, तो ये सारे लोग जो हैं ये अलग अलग जगह पे खड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे खड़े हैं और प्रोडक्ट मूव हो रहा है, तो ये वहां पे काम कर रहे हैं। जैसे ये नट बोल्ट फिक्स कर रहा होगा, ये कोई और काम कर रहा होगा, ये कोई और काम कर रहा होगा, तो इससे असेंबली लाइन से क्या हुआ, टाइम बहुत बचा। तो मेथड स्टडी क्या है, फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव मेथड्स। मोशन स्टडी क्या थी, एक गिलबर्थ नाम का बंदा था, तो गिलबर्थ ने क्या किया था, गिलबर्थ इसको आप याद रख लो ठीक है। जो गिलबर्थ नाम का बंदा था ना, ये टेलर का दोस्त था, तो उसने सजेस्ट किया कि जैसे यार एक काम करने, एक बंदा काम कर रहा है ठीक है, उस काम करते वक्त ना उसमें उसने मान लो 10 एक्टिविटीज की एक काम को करने की, जैसे कि आप बोल लो कि आपने एक नट एंड बोल्ट को खोलना है। अब नट एंड बोल्ट को खोलने के लिए क्या करोगे, आप एक बाएं हाथ से उसको पकड़ोगे, दाएं हाथ से नट को घुमाओगे तो वो खुलेगा। तो एक काम को करने में बहुत सारी एक्टिविटीज लगती हैं, तो एक्टिविटीज में उसने बताया कि जब एक बंदा इंडस्ट्री में काम करता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं। मान लो उसको करने में 10 एक्टिविटीज लगी, उसमें से 8 यूजफुल है और 2 यूजफुल नहीं है, तो उस 2 को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आप सिर्फ 8 एक्टिविटीज करोगे। पहले 10 एक्टिविटीज में टाइम लगता था, अब सिर्फ 8 एक्टिविटीज में उसको कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका टाइम बचेगा और जो आपका प्रॉफिट होगा वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा।
तो इसलिए मोशन स्टडी का ये बेनिफिट है कि ये अननेसेसरी एक्टिविटीज को स्टडी करता है, मतलब मूवमेंट्स को स्टडी करता है और उसको बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज है जो अननेसेसरी है और उसको रिमूव करता है। तो ये गिलबर्थ ने क्या किया था, मतलब कुछ अपने छोटे छोटे सिंबल्स दिए थे जिसके सिंबल्स के बेस पे हम उस एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर सकते थे और उसको एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम एक बड़े काम को, एक बिग काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करते हैं और उन छोटे कामों को आप क्या करते हो, उसका टाइम नोट करते हो कि उसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उनको बताते हो कि कम टाइम लगाओ, एक साइकिल टाइम फिक्स कर देते हो। साइकिल टाइम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक एक ट्रक है, इसने क्या करना है, यहाँ से कुछ मटेरियल लेना है और यहाँ पे छोड़ के आना है, तो यहाँ से इनपुट है और यहाँ पे वो छोड़ के आ रहा है, तो उसको यहाँ से स्टार्ट हुआ गया और वापस आने में, उसको यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहां वापस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं हम साइकिल टाइम। तो ये उसने साइकिल टाइम मेजर किया और बताया कि इसको करने में इतना टाइम ही लगना चाहिए, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो बंदा इनफेक्टिव है, उसको अपना टाइम कम करना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आप डिटरमाइन कर सकते हो कि एक काम को करने में कितने बंदे लग रहे हैं। अब फटीग स्टडी किया उसने, उसने बताया कि यार मतलब अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको बंदों की फटीग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर बंदा 8 घंटे में से 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको फटीग होती है, उसको 1 घंटा रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो ये अगर होगी तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। तो उसने क्या किया, उसने बताया कि यार अब हर बंदे को आप क्या करो, आप सेपरेट करो, जैसे जो बंदा ज्यादा परफॉर्मिंग है उसको ज्यादा पैसा दो, जो कम परफॉर्मिंग है उसको आप कम पैसा, उसको उससे कम पैसा दो, तो उस हिसाब से आप अपना वेज सिस्टम क्या होता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब ये बंदा है जैसे परफॉर्मिंग बंदा है तो इसको आप ज्यादा पैसा दो, मतलब अगर 10 पीस बनाएगा तो 10 पीस बनाने पे इसको 100 रुपया मिलेगा, तो अगर नीचे वाला बंदा 5 पीस बना रहा है तो उसको आप 50 रुपये दो, एक पीस का 10 रुपये दो। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, ये सारी थी टेक्निक्स। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, एटीट्यूड को चेंज करना वर्कर और मैनेजमेंट की। अगर दोनों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि हमने सिर्फ कंपनी के हित के लिए काम करना है तो आपकी कंपनी बहुत ग्रो करेगी, ठीक है। तो आजकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अब उसके बाद आए, पहले थे टेलर, अब आए फ्योल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है यार, जो आपको मैंने टेलर को बताया था कि उन्होंने शॉप फ्लोर के ऊपर काम किया था, उन्होंने लोअर टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ठीक है, उन्होंने लोअर लेवल के ऊपर काम किया था। बट जो फ्योल है इन्होंने टोटल लेवल के ऊपर काम किया, इन्होंने अपने एक 14 प्रिंसिपल दिए थे जिसको इन्होंने बोला था जर्नल प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इनको इनको जाना भी जाता है जर्नल मैनेजमेंट के नाम से, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब जर्नल गाइडलाइंस थी इनकी जो भी इनके प्रिंसिपल्स थे। और इनका इनका मोटिव क्या था कि मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, जो मैनेजर की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना। ये क्या कहाँ से थे, फ्रेंच से थे, फ्रांस से थे और माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना मतलब जो करियर है वो मैनेजमेंट के ऊपर बनाया। अब इनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है डिविजन ऑफ वर्क। इन्होंने क्या बोला कि एक कंपनी में जो एक कंपनी है, ठीक है, उसमें एक बंदा है, उसमें मेन काम क्या है, आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रोडक्ट बनाना है। अब उस काम को ये बोलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को दे दो, आप जैसे प्रोडक्शन को दे दिया, मार्केटिंग को दे दिया, उसके बाद डिस्पैच को दे दिया, क्वालिटी को दे दिया, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जिससे कि मतलब हर बंदा अपना काम एफिशिएंटली कर सके। तो डिवीजन ऑफ वर्क का उसने एक प्रिंसिपल दिया। सेकंड उसने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब राइट पर्सन को आप अथॉरिटी दो, ठीक है। तो अगर मतलब एक टॉप लेवल का बंदा है वो मैनेजर को एक अथॉरिटी देता है तो उस बंदे के पास अथॉरिटी रहेगी कि कब मैंने उस अथॉरिटी को यूज करना है। मान लो कि वो एक कंपनी की डिमांड है कि अगर 40 प्रोडक्ट्स उसने बनाने थे, लेकिन एक टाइम आया जब उसको उसको कस्टमर ने बोला कि अगर हमें 60 प्रोडक्ट्स दोगे तो मैं आपसे बहुत बड़ा ऑर्डर ले लूंगा। तो अब उसको एक मैनेजर ने, जो टॉप लेवल का बंदा, उसने अथॉरिटी दी हुई थी कि तू 60 लेवल तक भी अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकता है, तो उस अथॉरिटी का उसको बेनिफिट हो गया। बट अगर वो 100 प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा
तो उसको उस अथॉरिटी का वो नुकसान भी कर सकता है। तो ठीक है, तो राइट पर्सन के पास राइट अथॉरिटी होगी तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आप मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, सारी चीजें मतलब जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक करो। बट इसका और मोटिव भी है, जैसे आपने मान लो एक छोटा सा बिजनेस था, ठीक है, उसको उसके पास पहले पैसे नहीं थे वर्कर्स को पे करने के लिए। तो वो वर्कर को बोलती है टॉप मैनेजमेंट कि आप क्या करो, हमारे साथ काम करो, जब हमारी कंपनी अच्छी कंपनी बन जाएगी तब हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। अब वो कंपनी क्या करती है, राइज कर जाती है, अच्छी कंपनी बनती है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जब वो कंपनी अच्छी बन गई तब उस कंपनी को जो आपने कमिटमेंट किया था वर्कर्स को वो उसको पूरा करना है, तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक बंदा बॉस होना चाहिए, मल्टीपल बॉस होंगे तो वो डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे और आपका जो काम होगा वो सफर करेगा। तो प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मूला शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। जैसे एक लोअर लेवल का बंदा है वो अपने सुपीरियर से ऑर्डर ले, मतलब जैसे आप फंक्शनल मैनेजर बनोगे, ठीक है, उसके बाद आपका जनरल मैनेजर बनना है, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपको फंक्शनल मैनेजर को जनरल मैनेजर से कमांड लेनी है और डायरेक्टर्स को जनरल मैनेजर से कमांड लेनी है। विच यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। अब एक प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्लान्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर मल्टीपल प्लान्स होंगे तो आपका कभी भी एक प्लान तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और उसी के बेस पे आपको काम करना चाहिए। अब सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होना कि होना चाहिए कि यार आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हो। आपकी कंपनी को हमेशा पीपल एज अ होल को देखना है, ना कि सिर्फ एक बंदे को देखना है। अगर इस बंदे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करना है, बट ऐसा नहीं है कि आप इस बंदे के लिए आप सारे बंदों की सैलरी बढ़ा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, वी शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप एक कंपनी खोल रहे हो, कंपनी में बहुत सारी लेबर इंटेंसिव कंपनी है, वो सब लेबर ज्यादा है वहां पे, तो आपको क्या करना है, उस लेबर को खुश रखना है। अगर उसको एक इनफ पैसा नहीं मिलेगा तो वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, आपने उसको ध्यान रखना है कि जैसे आपने एक एक जो लोअर लेवल, जैसे टॉप लेवल है, उसने लोअर लेवल को कितनी पावर देनी है, मतलब कितनी अथॉरिटी अपने पास रखनी है और कितनी अथॉरिटी उसने नीचे वाले बंदों को दे देनी है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मतलब सेंट्रलाइज, जैसे आप बोल लो कि जो अपनी केंद्र सरकार है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या होगी, सेंट्रलाइज पावर होगी। डिसेंट्रलाइज जैसे स्टेट को उसने पावर दे दी। अब इसका एक और एग्जांपल है, जैसे पंचायत है, पंचायत को बहुत सारी पावर दी गई है, वो अपना फंड अपने हिसाब से मतलब मैनेज कर सकती हैं, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का बाय सेंटर। अब स्केलर चेन, अब उसने जो फेओल ने एक दिया था, उसने बोला था वो हमेशा चाहता था कि जो टॉप का बंदा है वो ही कमांड करे, ठीक है। तो मतलब अगर एफ ने ए के साथ कम्युनिकेट करना तो पहले एफ ई के साथ कम्युनिकेट करे, ई से डी के साथ, डी से सी, सी से बी और बी से ए, एक्सेप्शनल केसेस में वो एफ से ए चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यार मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी किसी के साथ कभी भी बात कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि इन बंदों को नॉलेज ही नहीं रहेगी कि हाँ यार हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इनको जानना, इनने ना काम करवाना है तो इनको नॉलेज होना जरूरी है, तो स्केलर चेन ये बोलता है। एक्सेप्शनल केसेस में क्या होना चाहिए, जैसे ये बॉस है, इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं, तो ई ओ के साथ भी कम्युनिकेट कर सके। ऑर्डर, अब एक ये मशीन्स हैं, यहां से प्रोडक्ट पास करेगा। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन में कुछ टूल्स लगेंगे, तो वो राइट टाइम और राइट प्लेस पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो सप्लाई चेन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी। इक्विटी, डिफरेंट बंदे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो वो एक बंदा दूसरे बंदे को देखेगा, यार उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कंपनी के हित के लिए नहीं होगा, वो बंदा काम करना छोड़ देगा, बोलेगा इसी से काम करवा लो। तो इक्विटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अब बंदे की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको उसको इनफ मनी मिलनी चाहिए आपके बिजनेस के थ्रू, और उसको मतलब कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, उसको नाम मिलना चाहिए। अगर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, वो बंदा कंपनी छोड़ जाएगा,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो ट्रेनिंग पर्पस पे आपने पैसे स्पेंड किए थे वो आपको दोबारा से फिर स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनिशिएटिव, नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। वर्कर को आपने इनकरेज करना है कि वो मोर से मोर इनिशिएटिव ले खुद से खुद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने प्लान बनाए हैं उससे अलग काम करे, बट अगर वो मतलब अपने काम में ही कुछ इनिशिएटिव लेता है तो उसको आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पिरिट डे कॉप्स, ये मतलब फ्रेंच टर्म है, तो इसका मतलब है कि आपने टीम स्पिरिट को मतलब यूनाइट करना है। एक बंदा काम करेगा तो वो कभी भी प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, आपने टीम में काम लेना है। अगर टीम अच्छी रहेगी तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करते हैं फेयोल वर्सेस टेलर के साथ। फेयोल ने क्या किया था, टॉप लेवल के ऊपर काम किया था, मैनेजर्स के ऊपर काम किया था, और टेलर ने शॉप फ्लोर के ऊपर काम किया था, नीचे लेवल के साथ काम किया था। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता था हेनरी फोयल हमेशा होनी चाहिए, और ये उसको फील नहीं करता था, ये बोलता था वर्कर्स के ऊपर हमने काम करना है। फोयल ने बोला है इसका जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है, और ये टेलर के जो प्रिंसिपल्स है उसने बोला था एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, क्योंकि ये लोअर लेवल के साथ काम किया है तो वहां पे ज्यादा एप्लीकेबल है। इसके जो सिद्धांत है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके, और इसने तो जैसे यार मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मतलब टाइम मेजर करके अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों है। इसका जो फोकस था वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, इसका जो फोकस था वो प्रोडक्शन के ऊपर था, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये एक प्रैक्टिशनर था और ये साइंटिस्ट था। इसकी थ्योरी को हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी थ्योरी को बोलते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद कर लो, यही स्लाइड बस सारा निचोड़ है। अब समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। नेचर कैसी थी मैंने आपको बताया था, फॉर्मड बाय प्रैक्टिस है, जनरल गाइडलाइंस है, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, कॉन्टिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर्मड बाय प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन के साथ बना है, ठीक है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया। जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल भी है, इसको आप मतलब चेंज भी कर सकते हो। बिहेवियरल है, एक ऑर्डरनेस में काम करता है। कॉन्टिंजेंट है, मतलब सिचुएशन के मुताबिक आप इसको इसको प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर पाओगे। कॉज एंड इफेक्ट है, सिचुएशन के मुताबिक एक कॉज होगा तो उसका इफेक्ट होगा, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल्स होंगे। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंट पे काम करेगा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करेगा, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेगा और ट्रेनिंग में काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे मतलब मेन मेन जो चीजें हैं उसको याद कर लो। साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैंने बताया था साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, हारमोनी होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, कॉपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए। उसकी टेक्निक्स बताई थी, फंक्शनल फॉरमैनशिप, 8 बंदों में डिवाइड कर दिया था सुपरवाइजर को, और 8 बंदे रिपोर्ट करते थे, जैसे एक प्रोडक्शन वाले थे और एक टाइम को मैनेज करने वाले, प्लानिंग वाले थे। स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो वैरायटी कम होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। फटीग स्टडी बताया था, मेथड स्टडी बेस्ट मेथड चूज करना, टाइम स्टडी टाइम को टाइम फिक्स करना किसी एक्टिविटी के लिए, मोशन के लिए अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना, डिफरेंशियल वेज सिस्टम में बंदे की परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको पैसा देना। फेयोल आया, उसके बाद जनरल मैनेजमेंट का पिता, इसने टेक्निकल कमर्शियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर सभी के ऊपर काम किया, जनरल गाइडलाइंस दी, 14 प्रिंसिपल्स दिए, डिवीजन ऑफ वर्क दिया, ये काम को छोटे काम में डिवाइड करो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक कमांड होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह जनरल इंटरेस्ट के ऊपर काम होना चाहिए, सफिशेंट पैसा देना चाहिए बंदे को, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पावर काम के मुताबिक डिपेंड होनी चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए, ऊपर वाले बंदे को नीचे वाले सुपीरियर को हमेशा आपने मतलब ऑर्डर को फॉलो करना है, एक जो राइट मटेरियल है वो राइट जगह पे होना चाहिए, सब बंदे इक्वल होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनके बंदों की, इनिशिएटिव लिए तो उनको इनकरेज करना चाहिए, टीम स्पिरिट को आपको मोटिवेट करना चाहिए। तो ये समरी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया सारा, चलो आप एमसीक्यूज ट्राई करो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यूनिवर्सल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बिहेवियरल भी है, एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने आपको लिखवाया भी था ये देखो, जो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल, उसको चेंज कर सकते हो, एक जैसे नहीं रहेंगे वो। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया मैनेजर ने।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हेनरी फॉयल वाज अ, हेनरी फॉयल क्या था, एक माइनिंग इंजीनियर था, और जो टेलर था वो क्या था, मैकेनिकल इंजीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल बिग काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना। तो ए ऑप्शन इज राइट, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इन अंडर फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर ने बोला था ना टेक्निक्स में, फंक्शनल फॉरमैनशिप में, कि एक प्लानिंग पार्ट बनाओ, एक प्रोडक्शन पार्ट बनाओ, ठीक है। प्लानिंग और प्रोडक्शन अलग कर दिए थे, तो इसके अंदर चार डिफरेंट बंदे थे, ठीक है। उसमें एक बंदा था जो क्या करता था, जैसे ही कीप्स मशीन रिपेयर वाला बंदा था एक, तो एक गैंग वाला बंदा था। तो गैंग वाला बंदा क्या करता है, वो टूल्स को रेडी करता है जब उसकी जरूरत हो। तो इसका आंसर है गैंग बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये था, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट भी था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड भी था, फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या था, ये टेक्निक थी। तो इसको आपको पता है कि ये टेक्निक थी, नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, एक बेस्ट वे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोला था, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेथड स्टडी, ठीक है। फटीग स्टडी क्या था, फटीग को स्टडी करना, मोशन अननेसेसरी मूवमेंट को रिमूव करना। टाइम स्टडी में टाइम को मेजर करना, उसके मुताबिक आपने बंदों को लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या था, एटीट्यूड को चेंज करना, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योर। देखो, फ्योल वाज अ माइनिंग इंजीनियर, टेलर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सही है। फ्योल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज सिचुएशन, नहीं, ये गलत है। फ्योल के प्रिंसिपल थे वो जनरल प्रिंसिपल थे, हर जगह एप्लीकेबल है, और टेलर के स्पेशलाइज सिचुएशन में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय फ्योल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दी थी, टेलर ने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फ्योल। शॉप फ्लोर पे किसने काम किया था, टेलर ने। मैनेजरियल एफिशिएंसी फ्योल ने बताई थी, 14 प्रिंसिपल भी फ्योल ने बताए थे। हु सजेस्टेड मेथड स्टडी, टेलर। टेलर के याद करो जो टेक्निक्स थी। तो राइट आंसर इज ए फ्योल। प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू टेक्निकल मैनेजरियल बोथ, बोथ इज द राइट आंसर। उसके जनरल प्रिंसिपल थे, हर जगह एप्लीकेबल है। हेनरी फ्लोन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लासिकल में, टेलर भी क्लासिकल में थे, फ्योल भी क्लासिकल में थे। व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी निगलेक्टेड एज बिजनेस हैज टू फुलफिल सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटीज। तो वैल्यूज मैंने बताया था कि वैल्यूज ऐसी चीजें हैं जिसको आपने ओबलाइज करना है, तभी आपकी जो मतलब रेपुटेशन है मार्केट में बढ़ेगी। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटजिक सोल्यूशन टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जो गाइडलाइंस है, मतलब टू एक्शन है, मतलब गाइडलाइंस हैं तो हैं बट एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल गाइडलाइंस में मैंने आपको बताया था। एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रिमुनरेशन बट वट इज जस्ट फेयर एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाई मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये मैंने आपको किसमें बताया था, कॉन्टिंजेंट में। एक कम बंदे की जितनी कैपेसिटी है ओनर की, उसके हिसाब से वो बंदों को पैसा देगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उससे ज्यादा पैसा देना शुरू कर दे, हर बंदे को 10-10 हज़ार देना शुरू कर दे। तो वो कॉन्टिंजेंट है, मतलब प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक आपने जो जनरल गाइडलाइंस है उसको बनाना है। मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू सबॉर्डिनेट एंड डील्स विद एक्सेप्शनल सिचुएशन विच रिक्वायर हिज एक्सपर्टाइज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये मैंने बताया था आपको। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, मतलब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कब मैंने उसको प्रिवेलिंग सिचुएशन में अपनी मतलब पावर को यूज करना है, और कब मतलब छोटे मोटे कामों के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देना है। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडाइस। मतलब अगर एक साइंटिफिक डिसीजन होंगे तो वो लॉजिकल डिसीजन होंगे, वो कोई ऐसे बायस डिसीजन नहीं होंगे, मतलब किसी के साथ मतलब अनजस्टिस नहीं करेंगे। वट मैन टू डू एंड सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, दिस स्टेटमेंट इज, मतलब वट मैन टू डू एंड सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ये किसने बताया था, टेलर ने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी नीड्स स्टॉप वॉच, टाइम स्टडी। गिलबर्थ रिलेटेड विद टाइम, मोशन स्टडी, ये याद कर लो यार, मोशन स्टडी बताया था उसने कि अननेसेसरी मूवमेंट, दोस्त था टेलर का,
अननेसेसरी मूवमेंट में हेल्प किया था जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की थी। असेंबली लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो असेंबली लाइन में मेथड स्टडी में उसने बताया था कि बेस्ट मेथड चूज करना है, तो उसने असेंबली लाइन का एग्जाम्पल दिया था कि एक असेंबली लाइन है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे बंदे खड़े हैं, तो एक बेस्ट मेथड बताया था कि काम को करने का। इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद, याद करो मैंने कहाँ पे बताया था, छोटी एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक साइंस है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या था, कॉपरेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायोलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब टाइम स्टडी फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या था कि नीचे वाले बंदों का आप एम्पावर कर रहे हो कि वो डिसीजन लेंगे, 8 बंदे बना दिए थे अब वो डिसीजन ले रहे हैं, बट यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि टॉप का बंदा डिसीजन लेना चाहिए, तो ये क्या फंक्शनल फॉर्मेशन इज द वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन टू बी डिप्लॉयड वर्क सेंटर। टाइम स्टडी से आप क्या करोगे, टाइम बता दोगे कि उसको करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, मान लो कि 180 टाइम लगना चाहिए, मिनट लगने चाहिए, तो आपके पास एक बंदे को 30 मिनट लगते हैं, तो आपको टोटल बंदे कितने चाहिए, 6 बंदे चाहिए, सिंपल है। Who among the following is first to identify the four functions of management? सबसे पहले हेनरी फॉयल ने जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है, तो ये इसी ने सबसे पहले फाइंड आउट किए थे, हेनरी फॉयल ने। अथॉरिटी इज अंडर माई डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी एंड ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, तो अथॉरिटी नहीं रही किसी की, डिसिप्लिन जीरो हो गया, मतलब किसी का कोई ऑर्डर नहीं मार रहा, सर अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल एंड टेलर आर कंप्लीमेंट्री टू इच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड वीडियो, और इसके बाद मैं थर्ड वीडियो आपको 1-2 दिन तक अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, और आपको ये इसमें देखो, आपने आपने थ्रेटिकल पढ़ा है, उसके साथ एमसीक्यूज भी पढ़े हैं, इसको मुझे लगता है अगर आप कर लोगे तो दिस इज मोर देन सफिशेंट। ठीक है, चलो, ओके, खुश रहो, थैंक यू।